पाठ 12 एकाग्रता सबसे बड़ा गुण। शिवम, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा किया? अभी नहीं माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ध्यान से समझोगे तभी कर सकोगे ना? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, कक्षा में अध्यापिका ने आपको समझाया, फिर दो बार मैंने समझाया। मैं पहले खेलूंगा फिर करूंगा। बेटा, ध्यान से करोगे तभी कर सकोगे। जानते हो, एकाग्रता सबसे बड़ा गुण है, जैसे एकलव्य ने किया। गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन निषाद राज का पुत्र एकलव्य उनके पास आया और कहा, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, मैं विवश हूँ, राजकुमारों के साथ नहीं सिखा सकता, तुम दूसरा गुरु ढूंढ लो। एकलव्य चुपचाप वहां से चला गया। इस घटना के बाद एक बार राजकुमारों के साथ गुरु द्रोण शिकार के लिए गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो लगातार भौंक कर उनके शिकार के लिए रास्ता बता रहा था। अचानक उसका भौंकना बंद हो गया। सभी हैरान थे कि कुत्ता कहाँ गया। जब उस दिशा में ढूंढने आगे बढ़े तो देखा कि कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए बाणों से किसी ने उसका मुंह सिल दिया है। गुरु द्रोणाचार्य हैरान रह गए, सोचने लगे कि यह ज्ञान मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दिया, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी नहीं। तब यह कार्य किसने किया? तभी सामने से एकलव्य धनुष बाण लेकर आ गया। उसे देख द्रोणाचार्य और हैरान हो गए और पूछा, बेटा, कौन है तुम्हारा गुरु जिसने तुमको यह अनूठी विद्या सिखाई? एकलव्य ने एक मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, गुरुदेव, आपकी मूर्ति बना, मैं प्रतिदिन वंदना के बाद लगातार अभ्यास करता था। आपकी कृपा से मैं आपके सामने धनुष बाण पकड़ने लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे लगातार अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। सच है, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है, जिससे योग्य बन सकते हैं।